हाय गाइस, मेरा नाम मनन है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एडीबी डाइक कोड के बारे में और ये फास्ट बूट मोड के बारे में। कि कई सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट करके पूछा है कि बताइए आप कि एडीबी मोड को जो है मिरेकल क्रैक या मिरेकल बॉक्स से कैसे बूट कराते हैं और फास्ट बूट को जो है मिरेकल बॉक्स या क्रैक से कैसे बूट कराते हैं। तो दोस्तों मैं आज इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ और उसका FRP कैसे अनलॉक करते हैं एक क्लिक में, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे ADB डाइक कोड को इनेबल करेंगे और उसका FRP वन क्लिक में आप उसका FRP रिसेट करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई सब्सक्राइबर ने हमें ये पूछा है कि मिरेकल बॉक्स सेटअप फाइल और मिरेकल क्रैक में क्या अंतर है। दोस्तों तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं अभी आपको जो है 9830 EMMC स्पीड ड्रम CPU जो लेटेस्ट है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि आप उसका जो है FRP कैसे अनलॉक करेंगे, उसका डाइक कोड कैसे आप इनेबल करेंगे। अगर आपको देखना है सीखना तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नान YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो ये मिरेकल क्रैक का जो इंटरफेस है, मैं आपको इसमें दिखा दूँ कि आप इसमें जो है स्पीड ड्रम के बारे में आपको बता रहा हूँ कि 9830 EMMC स्पीड ड्रम CPU जो कि लेटेस्ट है तो वो आप इस मिरेकल क्रैक में आप अगर खोजेंगे तो इसमें आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन जो है सिर्फ बॉक्स के सेटअप में जो है अवेलेबल है और इसमें क्रैक में ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इसका FRP इस क्रैक में आप अनलॉक कर सकते हैं। 9830 EMMC स्पीड ड्रम CPU का FRP चाहे कोई भी मॉडल हो, कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो, अगर उसका वो IC है तो उस IC को आप इस क्रैक में आप उसका FRP अनलॉक कर सकते हैं। और इसमें आप उसका जो रीड राइट नहीं कर सकते हैं, उसका फ्लैश फाइल आप रीड नहीं कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मिरेकल बॉक्स के सेटअप फाइल में ही इसका जो सुविधा उपलब्ध है। और इसमें आपका जो है तीन ऑप्शन काम करेगा, एक रीड इन्फो और दूसरा आपका रीड जीमेल ID और तीसरा ऑप्शन जो इसमें काम करेगा मेटोरा FRP रीसेट, मेटोरोला या फिर FRP रीसेट आपका इसमें काम करेगा। ये तीन ऑप्शन इसमें काम करेगा, इसके अलावा जो बाकी कोई भी ऑप्शन इस मिरेकल क्रैक में काम नहीं करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाकी सारा ऑप्शन जो है अदर मोबाइल के लिए काम करता है, जैसे मान के चलिए कूलकॉम, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, ठीक है। तो हर मोबाइल के लिए अलग अलग इसका वर्क करता है इसका ऑप्शन, और क्योंकि एक ही CPU पर सारा ऑप्शन जो है वर्क नहीं करता है। और दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मिरेकल क्रैक में फ्री वर्जन में और मिरेकल बॉक्स के सेटअप फाइल में जो है कितना अंतर है। और मान के चलिए कि जैसे कि कोई बड़े सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर लगी हो, नई पिक्चर तो बड़े सिनेमा हॉल में लगी है और जब वो फिल्म उतर जाती है उस सिनेमा हॉल से और बाद में किसी छोटे सिनेमा हॉल में लगती है, तो मान के चलिए उसी तरह ये मिरेकल बॉक्स और मिरेकल क्रैक है, बस इसी तरह का जो इसमें डिफरेंस है। तो इनके बारे में आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आप 9830 स्पीड ड्रम CPU को जो है आप इसमें FRP अनलॉक कैसे करेंगे और इसका जो फास्ट बूट मोड है इसे आप कैसे बूट कराएंगे और इसका जो डाइक कोड है उसे इनेबल आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों अच्छी तरह समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ एंड्रॉयड टूल पर। तो दोस्तों जैसे आप एंड्रॉयड टूल पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सारे ऑप्शन हैं इसमें जो है, जो मैंने जैसे अभी बताया कि आपको कि स्पीड ड्रम CPU को बूट कराने के लिए सिर्फ इसमें तीन वर्क कर रहा है, जो है एक रीड इन्फो, दूसरा मेटोरोला FRP रीसेट और तीसरा जो है रीड जीमेल ID। बाकी सारा ऑप्शन जो है अदर मोबाइल के लिए काम करता है, जैसे कि ओप्पो, सैमसंग वगैरह, इन सब मोबाइल पर ये काम करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो हर मोबाइल का अलग अलग तरीका है और अलग अलग नियम है उसे बूट कराने के लिए, आप सभी मोबाइल को एक ही तरीके से आप बूट नहीं करा सकते। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मिरेकल क्रैक में जो है इसमें सिर्फ ADB का जो ADB मोड का जो है फंक्शन है वो दिया गया है, इसमें फास्ट बूट मोड का जो फंक्शन यहाँ पे होता है इस जगह पे नहीं है और ये मिरेकल बॉक्स के क्रैक में जो है यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपको दोबारा से आपको जो है मिरेकल क्रैक ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि मिरेकल क्रैक ओपन करने के बाद कैसे जो हमें स्पीड ड्रम CPU का जो FRP अनलॉक करना है, कैसे उसे हमें बूट कराना है।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मैंने मोबाइल का भी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ और साथ ही साथ आपको मेडिकल क्रैक का भी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस मोबाइल में जो है FRP लॉक है, इसे हमें अनलॉक करना है, लेकिन अनलॉक करने से पहले हमें क्रैक में जो है इसे बूट कराना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा मोबाइल बूट नहीं करेगा इस मेडिकल क्रैक से तो FRP अनलॉक कैसे होगा। वैसे तो FRP वन क्लिक में अनलॉक हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब तक हमारा मोबाइल हमारे सिस्टम से बूट ना करे तो FRP अनलॉक करना संभव नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे हम इस मोबाइल को इस मेडिकल क्रैक से बूट कराएंगे और कैसे इसका जो FRP वन क्लिक में अनलॉक करेंगे, कैसे रीसेट करेंगे। तो आपको साथ साथ इन दोनों का वीडियो में आपको साथ साथ दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए और आप ध्यान से देखें, आपको समझ में आएगा कैसे हम इसका FRP अनलॉक करेंगे वन क्लिक में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एंड्रॉयड टूल ओपन करना है मेडिकल क्रैक में। जैसे एंड्रॉयड टूल आप ओपन करेंगे तो उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि एंड्रॉयड टूल ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे जो है स्पीड रैम CPU जो 98/32 लेटेस्ट वर्सन है, इसे हमें FRP अनलॉक करना है। इसका FRP हम अनलॉक कैसे करेंगे, इसके लिए हमको सबसे पहले रीड इन्फो पर टिक लगाना है, उसके बाद हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। और जैसे हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमें अपने मोबाइल पर जो इसका जो USB केबल है इसे हमें निकाल करके इसमें दोबारा लगाना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे रीड इन्फो पर टिक लगा के आप मेडिकल क्रैक का स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका मोबाइल जो है ऑन हालत में होनी चाहिए। उसके बाद अपने मोबाइल में आपको जो है USB डाटा केबल को निकाल करके दोबारा आपको लगाना है। जैसे दोबारा आप लगाएंगे डाटा केबल को तो इसमें USB डाई कोड का जो है ऑप्शन आ जाएगा, और जैसे वो ऑप्शन आ जाएगा तो आप उस पर कैंसिल और ओके का जो ऑप्शन होगा आपको ओके कर देना है। तो जिस आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा आपका, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना। जैसे आप यहाँ पर ओके करेंगे तो आपका मोबाइल मेडिकल क्रैक से बूट कर जाएगा। जब मेडिकल क्रैक से आपका मोबाइल बूट कर जाएगा तो उसके बाद आपका मोबाइल का जो इन्फो है वो आपको मेडिकल क्रैक में आपको दिखेगा और आप समझ जाएंगे कि हमारा मोबाइल बूट कर चुका है, क्योंकि मोबाइल का जो हार्डवेयर होगा वो सारा सारा वहाँ पे मेडिकल क्रैक के इंटरफेस में आपको शो करेगा। तो चलिए दोस्तों बात हो गई स्पीड रैम CPU की, अब हम आपको बता रहे हैं कि आप कूलकॉम CPU को कैसे बूट कराएंगे मेडिकल क्रैक से या मेडिकल बॉक्स से। तो दोस्तों कूलकॉम CPU को भी आपको इसी तरह से आपको मोबाइल को ऑन कर देना है। उसके बाद वहाँ पे आप ऑप्शन देखें एंड्रॉयड टूल में कि इनेबल डाइक पोर्ट कूलकॉम, तो इनेबल डाइक पोर्ट कूलकॉम में आपको जो है वहाँ पे टिक लगा देना है। उसके बाद आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है, और स्टार्ट बटन पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको अपने मोबाइल को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद उसमें आपको USB डाटा केबल लगाना है। तो USB डाटा केबल जब आप लगाएंगे कूलकॉम CPU का तो इसी तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, और उसके बाद आपको मोबाइल पर आपको ओके कर देना है। और जैसे आप ओके कर देंगे आपका मोबाइल जो है मेडिकल क्रैक या मेडिकल बॉक्स से बूट कर जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेडिकल का जो स्पीड रैम CPU जो हम जो अभी बूट करा रहे थे वो हमारा जो है बूट कर चुका है, और हमारे जो स्पीड रैम CPU का जो हार्डवेयर है वो हमारे यहाँ इंटरफेस में यहाँ पर दिखा रहा है। अब हम इसका FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो FRP अनलॉक करने के लिए हमें यहाँ पे FRP मोटोरोला रीसेट पर हमें क्लिक करना है, और FRP मोटोरोला रीसेट पर जो है मोटोरोला FRP रीसेट पर हमें क्लिक करके हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो FRP अनलॉक हो जाएगा और हमारा मोबाइल जो है वो रिस्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली, और रिस्टार्ट होने के बाद जब हमारा मोबाइल ऑन होगा तो हमारा मोबाइल का जो ऑटोमेटिकली FRP अनलॉक हो जाएगा, हमारा मोबाइल कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा। तो चलिए हम आपको एक बार फिर से आप इसका जो रीड इन्फो चेक करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये मोबाइल का जो इन्फो ये दिखा रहा है, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें कई बार प्रॉब्लम होता है कि हमारे डिवाइस मैनेजर में जो इसका जो है USB डाइक पोर्ट का जो ड्राइवर होता है वो नहीं ले पाता है, जिस कारण से हमारा मोबाइल बूट नहीं कर पाता है। तो जब भी हम अपने मोबाइल को मेडिकल क्रैक या मेडिकल बॉक्स से बूट कराएं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डिवाइस मैनेजर में जो उसका एंड्रॉयड जो है वो दिखाना चाहिए, ठीक है। उसका जो हमारा मोबाइल जो डिवाइस मैनेजर से कनेक्ट है या नहीं ये चीज़ हमें देख लेना है। तो चलिए अब हम इसका FRP अनलॉक करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे इसका FRP अनलॉक रीसेट डन लिखेगा वैसे ही हमारा जो मोबाइल है ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो चुका है,
अब ये हमारा मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली ऑन होगा। आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल यहाँ ऑन हो रहा है और ऑन होने के बाद हमारा मोबाइल जो ऑटोमेटिकली इसका FRP अनलॉक हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर, और आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।